लेकिन अगर मैंने पहला कैच लगा रखा है चाइल्ड एक्सेप्शन, और फिर अगला कैच और लगा रहा हूँ उसके अंदर डाल दिया मैंने उस चाइल्ड एक्सेप्शन की पेरेंट एक्सेप्शन, ऐसा पॉसिबल है? ठीक, ऐसा पॉसिबल है। मान लो कि मैंने सीव, यानी कि चलनी, आप जान रहे होंगे सीव चलनी बोलते हैं, एक दो तरीके की होती है, एक बड़े छेद वाली होती है जिसमें आप चावल वगैरह पसाते हैं, एक बहुत बारीक होती है जिसमें आप चाय को छानते हैं, है ना। ऐसा मान के चलो चाय वाली में चावल भी छाना जा सकता है और चाय भी, दोनों छानी जा सकती है ना, नहीं छानी जा सकती। मैं आपको एक मुट्ठी चावल उबाल के दे रहा हूँ ग्लास के अंदर, उसके सारा पानी भी है सब चीजें, तो आप उसको छानोगे तो चावल चावल नहीं बचा रह जाएगा, पानी छन जाएगा। वही मैंने कहा मान के क्यों चल रहे हो, ये तो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल बता रहा हूँ, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आप ऐसा क्यों कह रहे हो कि मान के चल रहे हैं, मानो मत जानो। हाँ माय डियर, मैं क्या सिखा रहा हूँ, आप चाय में हिल जाए अभी तक। जो मैं उस चावल से पानी को अलग करना चाह रहा था वो हो गया, जैसा मैं उस चावल से पानी को अलग करना चाह रहा था वैसा हो गया, परंतु अगला। हेलो, गुड मॉर्निंग अभिषेक, केवल आशीष को नहीं करा, जितने भी लोगों की फीस 35,000 से कम है मैंने उन सबको करा दिया। यस, बात हो रही थी कि अगर मैंने चावल को सीव यानी कि चल चाय छलनी में छान दिया तो चावल से पानी अलग हो जाएगा और चावल अलग हो जाएगा। वही केस मैं चाय के साथ करता हूँ, चाय के साथ भी ऐसा हो जाएगा कि पत्ती अलग और चाय अलग, ऐसा हो जाएगा ना। अब बात करते हैं जो वो बड़े चावल वाली छलनी है जिसके अंदर चावल पसाते हैं, अगर मैं उसके अंदर चाय को छानूं तो नहीं छन पाएगी, नहीं छन पाएगी, यानी कि वो चाइल्ड है, उससे भी बड़ा उसका पेरेंट बैठा है छानने के लिए नीचे, कि अगर तुझसे कुछ बचा तो नीचे मैं हूं ना। लेकिन अगर यही मैंने उल्टा कर दिया, ऊपर चाय छन्नी से छान रहा हूँ और नीचे फिर वो चावल वाली लगा रहा हूँ, उसका लगाने या ना लगाने का कोई फायदा है कुछ फायदा? वही यहाँ पर है एक्सेप्शन का, अगर आपने कोई पेरेंट पहले ही कैच पे लगा रखा है तो दूसरे कैच में उसके चाइल्ड को लगाने की कोई आवश्यकता नहीं। क्लियर है? तो ना है एग्जाम्पल, ये चाय बना रहे हो, चलिए यही कर रहे थे। ये तो राहुल सर का करा हुआ लग रहा है, ये मेरा ही करा हुआ है। हाँ जी, मल्टीपल कैच इसीलिए तो लगाते हैं कि अगर कोई चाइल्ड हैंडल नहीं कर पाया तो उसकी पेरेंट लगा दो, और उसका पेरेंट भी हैंडल नहीं कर पाया तो उसके पेरेंट का भी पेरेंट लगा दो, इसलिए करते हैं। हाँ ऑब्वियसली, हाँ बोलेगा, जब किसी एक्सेप्शन पे हमें संभावना लग रही है कि फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन आ जाए, ठीक, फाइल नॉट फाउंड के एक्सेप्शन की कोई पेरेंट होगी इनपुट आउटपुट, मान लो इनपुट आउटपुट कनेक्शन ही नहीं बन पाया, फाइल नॉट फाउंड तो बाद में आएगी, वो फाइल नॉट फाउंड पे इनपुट आउटपुट कनेक्शन बन ही नहीं पाया तो उस पर जाके क्या करेगा, वो अगले पे कैश भी जाएगा, वहाँ इनपुट आउटपुट कनेक्शन देख लेगा, आयो वाली एक्सेप्शन चेक छाप देगा। अगर इसके बाद भी अगर मान लो इनपुट आउटपुट नहीं रहा तो कोई और एक्सेप्शन आ गए, मान के चलते हैं कि हमने किसी गलत स्टेज पे स्टेटमेंट को लिख दिया तो वो इन दोनों एक्सेप्शन में मैच नहीं हुई, तो एक एक्सेप्शन ही डाल दिया, सब एक्सेप्शन का पेरेंट वो तीसरे वाले में जाके मैच हो जाएगा। अपने कोड को एबनॉर्मली टर्मिनेशन से रोकने के लिए ये सारा हमने करा। नहीं, पेरेंट सबसे लास्ट में होगा, चाइल्ड फिर उसका पेरेंट फिर उसका पेरेंट, ऐसे चलेगा। अगर पहले ही पेरेंट लगा दिया तो बाकी कैच की जरूरत ही नहीं, बाकी कैच की जरूरत ही नहीं। हाँ मल्टीपल कैशिंग का मतलब ये होता है,
सीधे डायरेक्ट एक्सेप्शन पे लगा दे, है ना, ऐसा ही है ना। ठीक, जैसे कि मैंने आपसे कहा, छोटा सा एग्जाम्पल देने वाला हूँ, समझिएगा ध्यान से। मैंने आपसे कहा वीरेंद्र चलो 3 दिन का टूर है, घूमने चल रहे हैं, ऋषिकेश पे राफ्टिंग करके आएंगे। ठीक, मैंने अपना बैग पैक कर लिया जिसके अंदर मेरा एक लोअर, एक टी शर्ट और ब्रश ब्रश है, बस चल दिया। वीरेंद्र जी लाए अपना कंबल भी, रजाई भी, बर्तन भी, गैस सिलेंडर भी, सारी एक्सेप्शन लेके चल रहे हैं वो, यानी कि एक्सेप्शन का पेरेंट सब लेके चल रहे हैं। और हम देख रहे हैं गाड़ी में हम कहाँ फिट करें भाई इसको, हम तो जा रहे हैं 3 दिन के ट्रिप पर, ये जा रहे हैं अपना घर बसाने। अगर मैंने एक्सेप्शन लगा ही दिया तो उसके साथ उसकी सारी चाइल्ड एक्सेप्शन लोड होंगी, मैच करेगा कौन सी वाली इसके साथ सटीक है, टाइम फिर एग्जैक्ट मैच वाली तभी तो डालते हैं, वरना सबका काम उसी से निकल जाए एक्सेप्शन से। सब बेवकूफ थोड़ी है, आप ही जैसी बुद्धि सब चला सकते थे। वो तब लगाई जाती है जब उसकी चाइल्ड एक्सेप्शन से भी बात नहीं बन पाई, फिर उसके पेरेंट्स से भी बात नहीं बन पाई, तब जाकर हम कहते हैं कि भैया अब तो यही है आखिरी रास्ता। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। मेन मेथड ये रहा, अभी फिलहाल मैं इसको सिर्फ कमेंट कर रहा हूं और कुछ नहीं कर रहा। ठीक, बोर्ड आपके सामने यहाँ रख दे रहे हैं ताकि क्लियरली आपको स्पेस ये सारी चीज़ दिख जाए। मेन मेथड पे फोकस करके चलना, ठीक है, यहाँ नहीं कर रहा, यहाँ तो आपको सब पता चल जाता है। ये सही, ठीक। मान लो मैंने एक ट्राई लगाया, ध्यान से दीजिएगा सब, मैंने एक ट्राई लगाया, कोई स्टेटमेंट मैंने इसके अंदर रन कराने की कोशिश करी या ऐसे ही कुछ प्रिंट करा दिया मैंने। स्टेटमेंट वन मैंने यहां पर ऐसे करके प्रिंट करा दी, ठीक, ऐसे ही इसके अंदर मैंने स्टेटमेंट टू प्रिंट करा दी, स्टेटमेंट थ्री प्रिंट करा दी और इस ट्राई को बंद कर दिया। फिर इसके बाद मैं कैच लगा रहा हूं, कैच कैच में कोई एक्सेप्शन डाल रहे हैं, कोई भी एक्सेप्शन डाल दे रहे हैं, ठीक, और इस कैच के अंदर भी सॉरी कोई स्टेटमेंट डाल रहा हूं मैं, स्टेटमेंट नंबर 4, ठीक, बंद कर दे रहा हूँ। फिर इसके बाद एक और चीज प्रिंट करा रहा हूँ, स्टेटमेंट नंबर 5, क्लियर, इतना कोड है बस मेरे पास, ठीक, इतना सा ही कोड है। अब इस कोड में अगर मैं आपसे कहूँ कि अगर कोई एक्सेप्शन है ही नहीं, पूरे कोड में कहीं से कहीं तक कोई एक्सेप्शन नहीं आई, ठीक, तो आउटपुट क्या होना चाहिए, सारे नहीं बताएंगे। हाँ जी राजू, आपके बराबर में जो है मुकेश नाम है ना आपका, मुकेश आप बताएंगे तो आउटपुट क्या आएगा। क्या आएगा, बैठ जाओ आराम से। यस अंकित, आप बताइएगा आउटपुट क्या आएगा। अरे भैया एक्सेप्शन है ही नहीं, मैंने कह दिया आपसे। हाँ, क्या आउटपुट आएगा, कुछ नहीं आएगा, यही पढ़ रहे हो या ऐसा कुछ नहीं, हमारे यहाँ या नहीं चलता। स्टेटमेंट 5 आएगा, वो मैंने कॉपी कर लिया इसलिए ये आ जाएगा। अपने काम को आसान करने के लिए मैंने उसे कॉपी किया था, इसलिए किया था कि आप उसी समझ लो। बैठ जाओ आराम से। वीरेंद्र, क्या आउटपुट आएगा, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 3 और स्टेटमेंट 5। हाँ जी, यही आएगा पक्का, पढ़ पढ़ नहीं रहे उनकी किताब, अरे कौन है यहाँ पर, अभी अरे बोल रहे हो तो जब अरे बोलने की आदत हो जाएगी फिर अबे बोलना। मान लो मेरी इस वाली स्टेटमेंट में एक्सेप्शन है, पता नहीं, हाँ मान लो मेरी इस वाली स्टेटमेंट में एक्सेप्शन है,
तो भैया आरती आप बताइएगा आउटपुट क्या आएगा। देखो मैंने एक्सेप्शन साफ साफ बताया इस वाली स्टेटमेंट में है, ठीक। तो आउटपुट क्या आएगा आरती? हाँ? आवाज नहीं आ रही आती, आप तो रेगुलर भी आ रहे हो मुझे ऐसा लग रहा है। बताइएगा आता है तो यस, नहीं तो फिर नो। नहीं आता? स्टेटमेंट चार, स्टेटमेंट चार आएगा आपके अनुसार। और अच्छा ये तो मैं पूछना भूल गया, प्रोग्राम का टर्मिनेशन कैसा होगा, नॉर्मल या एबनॉर्मल? प्रोग्राम का टर्मिनेशन कैसा होगा, नॉर्मल या अबनॉर्मल? जब पहला केस था तब तो आपको सबको पता है नॉर्मल टर्मिनेशन हुआ हो। अब दूसरे केस में सेकंड स्टेटमेंट में एक्सेप्शन है। आरती आप समय खराब कर रहे हैं। अनुष्मा आप बताइएगा एबनॉर्मल टर्मिनेशन क्यों? क्योंकि एक्सेप्शन आई है इसलिए एबनॉर्मल टर्मिनेशन होगा। वेरी गुड, आउटपुट बताइएगा आप। स्टेटमेंट नंबर वन, स्टेटमेंट नंबर तीन भी आ जाएगा और पांच पढ़ नहीं रहे अनुष्मा। अच्छा फिर ट्राई मार रहे हो, एक चार और पांच। जब एबनॉर्मल टर्मिनेशन होता है तो ये बाकी का प्रोग्राम का जो फ्लो होता है वो तो नहीं होता एग्जीक्यूट। आपको तो बताया था, नहीं बताया था भैया बाकी की 50 लाइन फिर नहीं होती जब एबनॉर्मल टर्मिनेशन होता है। वहीं आपका एक डिफॉल्ट एक्सेप्शन हैंडलर होता है, वो आपके एक्सेप्शन का ऑब्जेक्ट बनाता है जिसमें एक्सेप्शन का नाम, डिस्क्रिप्शन और लाइन नंबर, लोकेशन यानी कि डाल के कंसोल पे प्रिंट मार देता है। अगर हम हैंडल नहीं कर रहे, आप हम हैंडल कर रहे हैं तो हमें दिया होगा और हमारे हैंडलिंग कोड में जाकर के उसने प्रिंट कर दिया होगा। तो पांचवी वाली स्टेटमेंट आएगी या नहीं आएगी? पक्का? अभी अभी सारी कहानी सुनाई है, नहीं सुनाई? मैं ये नहीं कह रहा कि आप गलत थे पहले, मैं बस सुनिश्चित करना चाह रहा हूं कि आपका तुक्का तो नहीं लगा। कुशल आउटपुट क्या आएगा? यही आएगा अनुष्मा आउटपुट। मैंने नहीं कंफ्यूज किया आपको, मैंने किया है क्या? मैं तो आपको पक्का खड़ा बना रहा हूं कच्ची मिट्टी से। देखिएगा अनुष्मा कैसे हुआ, ये वाली एग्जीक्यूट हुई ठीक, तो इसने इसे प्रिंट कर दिया होगा ठीक है। जैसे ही इस पे एग्जीक्यूशन करने आया उसने पाया एक्सेप्शन, तो इस सब को भूल के ही सीधे यहाँ आ जाएगा। आ जाएगा वो वाली सब चीजें छोड़ के यहाँ आ जाएगा। यहाँ आते ही उसने क्या कर दिया, ये वाली चीज प्रिंट कर दी। अब ये वाली चीज हमने प्रोग्राम के नॉर्मल टर्मिनेशन के लिए किया था। अच्छा आपने एक गलती बोली, एबनॉर्मल टर्मिनेशन नहीं, एक्सेप्शन आ रही है और हमने हैंडल नहीं किया तब होता है एबनॉर्मल। हम तो हैंडलिंग कोड लिख रहे हैं, जब हैंडलिंग कोड लिख रहे हैं तो नॉर्मल टर्मिनेशन होगा। जब नॉर्मल टर्मिनेशन होता है तो बाकी की स्टेटमेंट भी प्रिंट होती हैं। तो पांचवी इसलिए प्रिंट हुई है क्योंकि इसका नॉर्मल टर्मिनेशन हुआ है ठीक है। यस आउटपुट मिटा देते हैं। क्या आया था आउटपुट इसका? एक चार और पांच। चलो अगर कोई एक्सेप्शन स्टेटमेंट नंबर दो में आ जाए, कोई एक्सेप्शन स्टेटमेंट नंबर दो में आ जाए, लेकिन ये जो कैच है, ये वाला कैच, ये इस वाली एक्सेप्शन से मैच ही नहीं कर रहा। मान लो एक्सेप्शन आ गई आईओ एक्सेप्शन और यहां हमने लिखवा रखी है नल पॉइंटर एक्सेप्शन, मैच ही नहीं कर खा पा रहा। मान सिंह क्या आउटपुट आएगा? एबनॉर्मल टर्मिनेशन होगा क्योंकि उसकी मैच करती हुई एक्सेप्शन है ही नहीं, तो एबनॉर्मल टर्मिनेशन होगा। वेरी गुड, आउटपुट क्या आएगा? कुछ नहीं। अच्छा स्टेटमेंट वन, क्योंकि वन तो चली बड़े आराम से चली, कोई दिक्कत नहीं थी। एक्सेप्शन यहाँ आई, उसने देखा आयो एक्सेप्शन आ रही है, मैच करने गया कहाँ है आयो, आयो तो है ही नहीं, तो भैया इसके पास जाएगा ही नहीं, एबनॉर्मली टर्मिनेट कर देगा, बाकी कुछ चीजें नहीं प्रिंट करेगा। समझ में आ रहा है शिशु? समझ में आया? ठीक हाँ
करेगा, एक्सेप्शन आयो, लेकिन अब नॉर्मल टर्मिनेशन हुआ ना, आयो यहाँ मिली ही नहीं उसको, नल पॉइंट टर्म मिली। हाँ हाँ, फिर तो डिफॉल्ट एक्सेप्शन हैंडलर को वापस ऑब्जेक्ट मिल गया, क्योंकि वो कहेगा कि भाई आपके कोड में वो इस्तेमाल ही नहीं हुआ, तो फिर अब मुझे ही करना होगा कुछ। डिफॉल्ट एक्सेप्शन हैंडलर क्या करेगा, देगा JVM को, JVM जाके कंसोल पे मार देगा, दैट्स इट। ठीक है, चलेगा आगे, एक और केस बनाते हैं। अगर कोई एक्सेप्शन मेरी यहाँ की जगह यहाँ आ जाए, कोई एक्सेप्शन मेरी यहाँ की जगह यहाँ आ जाए, और या यहाँ आ जाए, ये देखो और लिख रहा हूं, या तो यहाँ आ जाए या यहाँ आ जाए, ठीक है, तो बताइएगा। हाँ या, चलो इस केस को बाद में करेंगे, ये रहा। अब ठीक है, नहीं सूरज आप बताएंगे क्या कह रहे हैं, 10 दिन से नहीं आ रहे हैं, वीडियो तो बराबर मिल रहा होगा। पहला दूसरा तीसरा आएगा, नॉर्मल टर्मिनेशन होगा या एबनॉर्मल, जब वो कैच में गया ही नहीं तो एबनॉर्मल कैसे हो सकता है। यस आरिफ आप बताइएगा, वेरी गुड, वो कैच में गया ही नहीं, कैच में ही तो एक्सेप्शन पड़ी है, वो कैच में गया ही नहीं, स्टेटमेंट 1 प्रिंट हो जाएगा, 2 प्रिंट हो जाएगा, और 3 प्रिंट हो जाएगा, और फिर एब नो सॉरी 5 प्रिंट हो जाएगा और नॉर्मल टर्मिनेशन। अब आती है बात यहाँ पर, मान लो एक्सेप्शन मेरी यहाँ भी आ जाए और वहाँ भी आ जाए, अब बताइएगा कमल, 1 आएगा 2, नहीं पहले तो ये बताने की बात है नॉर्मल टर्मिनेशन होगा या एबनॉर्मल, क्योंकि ये पहले सीखना है हमें, एबनॉर्मल टर्मिनेशन होगा, पक्का, गुड। हाँ नॉर्मल होगा, और टर्मिनेशन नॉर्मल, हे भगवान। हाँ जी आप बताइएगा, पहले बताओ नॉर्मल टर्मिनेशन या, वेरी गुड, एब नॉर्मल टर्म, ओह मैंने यहाँ आयो लिख दिया, छोड़ो इसे, इसके चक्कर में मत पड़ो, ये हटा दो, जो चीज़ सिखा रहा हूँ उस पे रखो, ये लो। आप बताइएगा, आरिफ, आरिफ नाम है आपका, अरबाज आप बताइएगा, हाँ आप बताइएगा कमल, अब तो कभी आप उसकी वजह से गलत नहीं बता रहे हो, मेरी गलती थी, चलो मान लेते हैं, अब तो मैंने सही कर दिया, पहले बोला नॉर्मल या एबनॉर्मल, नॉर्मल, हाँ जी एबनॉर्मल या नॉर्मल, नॉर्मल टर्मिनेशन होगा, अच्छा सर आप बताइएगा, किशन सर एबनॉर्मल टर्मिनेशन होगा, आप बताइएगा, अब नॉर्मल टर्मिनेशन होगा, हाँ ये आपको पता ही नहीं है, 3-4 दिन से यही कहानी चलती आ रही है, चलो बहुत अच्छी बात है आपने पूछ लिया, पूरी क्लास का भी फायदा हो जाएगा, दोबारा से बता दें, प्लीज सुन लीजिएगा, सुन लीजिए, देखिएगा, जैसे कि हाँ क्या, हाँ अभी देख के शायद थोड़ा सा समझ में आ जाए, देखिएगा, देखिए ये मेरी स्टेटमेंट नंबर 1 मान के चलिए, या यहीं लिख देता हूँ, देखिएगा अभी सारा मैं मिटा रहा हूँ, ये सारा मिटा दे रहा हूँ, ये भी मिटा दे रहा हूँ, ठीक, ट्राई किया, system.out.1 यहाँ कर देते हैं, स्टेटमेंट 1, ठीक, स्टेटमेंट 2 और स्टेटमेंट 3, ठीक, ध्यान से समझ लीजिएगा इसको, कैच में हम नॉर्मल एक्सेप्शन लिखवा रहे हैं, और ये सब क्या आया, इसकी हमें कोई बात ही नहीं करनी, हटा देते हैं इसको, मेन मेथड में हमने इसी मेथड को कॉल कर लिया, किस मेथड को, इस वाले मेथड को, ठीक है, ठीक, और उसके बाद मैंने और चीज़ें भी प्रिंट करा दी, उसके बाद
मैंने और चीजें भी, चलो इसे खत्म करते हैं, फालतू में कंफ्यूज नहीं कर रहे। कैच के बाद ही वही स्टेटमेंट लगवा दी मैंने, जैसे वहां थी वैसे ही करा दिया। ठीक, यहाँ स्टेटमेंट नंबर 5 और यहाँ स्टेटमेंट नंबर 6 और यहाँ लिखवा देते हैं स्टेटमेंट नंबर नंबर 4। ठीक, स्टेटमेंट नंबर 4 क्लियर है। अब देखिएगा, मेरा कहना ये था, मेरी एक्सेप्शन आ गई यहाँ पर, यही कहा था ना मैंने, और यहाँ मैंने कुछ करा दिया क्या, ये करा देता हूँ मैं 1/0, तभी तो आएगी एक्सेप्शन। ठीक, हाँ उससे पहले है, कहाँ है, वही तो है, नल पॉइंटर आ रही है। ओके 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 ओके, चलो इसको भी हाँ बना तो दिया, लेकिन बिना ऑब्जेक्ट के। अच्छा हाँ, मेथड को स्टैटिक कर दो तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक, ये लो डायरेक्ट ही कॉल हो जाएगा, एबीसी की भी आवश्यकता नहीं। ठीक, हाँ जी, एक्सेप्शन आ गई यहाँ है ना। देखो नॉर्मली कैसे क्या क्या होता है, आप पहले बड़े ध्यान से समझिएगा, इस चीज को अगर समझ लोगे तो ये समझ में आ जाएगा कि नॉर्मल टर्मिनेशन क्या चीज होती है और अब नॉर्मल टर्मिनेशन क्या चीज होती है। ठीक, मैं इसको कर रहा हूँ डिबग। ठीक, ये आया मेरा क्या स्विच करूँ, क्या करूँ, स्विच कर दूँ। ठीक, ये आया मेरा एग्जीक्यूट होने, यहाँ रुक गया, चेक कर रहा है क्या ये मेरी स्टेटमेंट सही है। अगर ये सही होगी तो ये आगे बढ़ जाएगा, अगर सही होगी आगे बढ़ जाएगा, अगर नहीं सही होगी तो सीधे कैच पे जाएगा। ठीक है, तो अगर सही होगी तो आगे बढ़ेगा, नहीं तो कैच पे जाएगा। ये देखो आगे क्या हुआ, F6 ही कर रहा हूँ क्या, हाँ आगे बढ़ गया, स्टेटमेंट 2 को भी प्रिंट कर दिया। अब स्टेटमेंट नंबर 3 पे आ रहा है, स्टेटमेंट नंबर 3 अगर नॉर्मल रहा तो वो वैसे की वैसी प्रिंट कर देगा, अगर नहीं नॉर्मल रहा तो सीधे कहाँ जाएगा, कैच पे जाएगा। देखिएगा सीधे कैच पे जाएगा वो, अब स्टेटमेंट 3 एग्जीक्यूट नहीं करी, सीधे कहाँ गया, कैच पे गया, और कैच पे जाते ही यहाँ उसको क्या प्रिंट कराना है, स्टेटमेंट नंबर 4। अगर ये हम ना करा रहे होते तो ये सारे कोड को वो छोड़ देता, ये सारे कोड को वो छोड़ देता, क्या करता फिर, सबको छोड़ देता भैया अगर हम हैंडल नहीं कराते। लेकिन अभी हम हैंडल करा रहे हैं, नंबर स्टेटमेंट नंबर 4 प्रिंट करा रहे हैं, जब हम करा रहे हैं तो ये इसको प्रिंट करेगा ही। और एबनॉर्मल टर्मिनेशन का मतलब ये होता है कि जहां एक्सेप्शन आ गई उस जगह के बाद का कुछ भी प्रिंट ना करो। लेकिन अब ये कर रहा है तो नॉर्मल टर्मिनेशन हो रहा है, देखो कर रहा है, कर रहा है तो इसको मतलब नॉर्मल टर्मिनेशन है, समझ में आया, क्लियर है। ठीक, अगर सुनो, अगर मेरी एक्सेप्शन कैच में भी आ जाए, मेरी एक्सेप्शन कैच में भी आ जाए, सेव कर रहा हूं, ब्रेक कर रहा हूं, दोबारा से चला रहा हूं, पहली स्टेटमेंट चेक कर रहा है, इसका मतलब ओके है, कहीं से कहीं तक कोई एक्सेप्शन नहीं है। ठीक, आगे बढ़े, दूसरी स्टेटमेंट भी चेक कर रहा है, कोई एक्सेप्शन नहीं है, प्रिंट कर देगा। तीसरी में एक्सेप्शन आ गई, आते इसकी ड्यूटी क्या है, इस एक्सेप्शन के आते देखो डिफॉल्ट एक्सेप्शन हैंडलर का काम शुरू हो जाता है, वो एक्सेप्शन बनाता है, ऑब्जेक्ट बनाता है, ऑब्जेक्ट बना के आपके कैच को पकड़ा देता है, आपके प्रोग्राम को पकड़ा देता है, अगर कैच है वहां पर तो, यानी कि आपके प्रोग्राम को पकड़ा दिया होगा। ठीक, आपके कैच पे आते ही अगर हम उसका हैंडलिंग कोड लिख रहे हैं, हम उसका हैंडलिंग कोड तो लिख नहीं रहे, लेकिन हमने एक और रिस्की कोड लिख दिया, एक और रिस्की कोड लिख दिया। अब इस रिस्की कोड पे ये आया, देखा यहाँ पर एक्सेप्शन है ही, डिफॉल्ट एक्सेप्शन हैंडलर फिर से इस कैच को ढूंढेगा कि इसने इसकी उसको हैंडल करने वाला कोड कोई लिखा भी है या नहीं, नहीं लिखा ना तो वो क्या करेगा, उस ऑब्जेक्ट को सीधे वहाँ पर प्रिंट कर देगा, देखो, और बाकी की चीज़ों को क्या कर देगा, छोड़ देगा। देखो कर दिया, और बाकी की चीज़ों को अब उसने आगे कुछ भी नहीं करा, प्रोग्राम कैसा टर्मिनेशन हुआ, एब नॉर्मल, बाकी की चीज़ें प्रिंट नहीं करी और अपनी सिर्फ उसने आगे की कहानी वहीं जाके चिपका दी, तो इसे कहते हैं एब नॉर्मल टर्मिनेशन, समझ में आया। हाँ जी सूरज, ये मत क्या ना, आप 10 दिन से नहीं आ रहे थे, अब तो देखो शुरू से कहानी सिखा दी। ठीक, अब लाइन नंबर 11 पे
इंक्लूड करेगा, हाँ तो वो कैच हो जाती है एक्सेप्शन रिक्वायरमेंट जो उसका ऑब्जेक्ट बनाया है एक्सेप्शन का, इससे क्या मैच करेगा? इस एक्सेप्शन के अंदर जाके बहुत सारी एक्सेप्शन से लिख रही होंगी, कोई इसका अगर चाइल्ड या सब चाइल्ड मैच कर गया तो उससे जाके लेके प्रिंट मार देगा, नहीं मैच करेगा तो फिर भैया यहाँ पे हाँ एबनॉर्मल हो जाएगा। लेकिन एक्सेप्शन इज द पेरेंट ऑफ ऑल एक्सेप्शन, मैच करना ही करना है, इसलिए मैंने ये रखा था। हाँ अगर आप कह रहे हैं यहाँ पर भी ऐसी कोई स्टेटमेंट होती, स्टेटमेंट नंबर ए बी सी ए, तो भाई आप देखो यहाँ से ही वो जंप कर गया यहाँ पर, यहाँ से ही जंप कर गया यहाँ पर, तो ऊपर वापस जाएगा, फिर ऊपर वापस जा, कभी कर्सर उल्टा वापस गया है इसको भी आप एबनॉर्मल पे देखो, स्टेटमेंट नंबर वन टू और काम खत्म। कैच में कोई भी नहीं, नहीं नहीं नहीं, कैच में अगर आपने हैंडलिंग कोड लिख दिया है ठीक, तब उसको आप कहोगे नॉर्मल टर्मिनेशन, क्योंकि हैंडलिंग कोड लिखा जा चुका है ठीक। देखो इससे ये एबीसी नहीं आया ना, क्योंकि इससे ज्यादा सीधे कैच पे हो गया था। हाँ कैच में एक्सेप्शन आए और ना आए, हाँ ये लो कैच में क्या यहाँ पे एक्सेप्शन ना रहे, हाँ ना रहे मत रहने दो, लो नहीं रहा रही, कैच में एक्सेप्शन ना रहे नॉर्मल रहे, मतलब अभी तो पहले ऐसे ही था, ये लो सिक्स में रहे, अच्छा सिक्स में रहे, हाँ ये रहे, हाँ अरे भाई साहब पहले इससे पहले की केस तो एग्जीक्यूट होने दो, आप तो अपनी आगे आगे चला रहे हो, मैं अभी पहले इसको तो कवर कराने दो बच्चों को, ऊपर से नीचे तक आऊंगा ना धीरे धीरे ठीक। ठीक देखिएगा कैच में एक्सेप्शन है, हमने इस एक्सेप्शन का खास तौर से सिर्फ इसी एक्सेप्शन का कोई हैंडलिंग कोड नहीं लिखा, लिखा है कोई? अगर मैं इसको ऐसे कर देता ट्राई इसके अंदर डालता और एक और कैच लिख देता, यहाँ लिख देता मैं एक्सेप्शन को ही, क्या जो मर्जी मैं लिखना चाहता हूँ एक्सेप्शन का, ये ठीक, और इसके वेरिएबल को चेंज कर लेते ठीक। तो आप देखिएगा वो जैसे ही मेरे इसकी वजह से इस वाली लाइन की वजह से कैच पे आया है ना, और कैच में जाके देखा अरे एक और रिस्की कोड है, इसकी वजह से इसमें आया, और हमने हैंडलिंग कोड लिख रखा है और लिख रखा है तो भैया इसे भी प्रिंट कर देगा, बाकी की चीज़ों को भी प्रिंट कर देगा, नॉर्मल टर्मिनेशन हो जाएगा क्योंकि हमने अंदर तक की हैंडलिंग करी है। अब क्या हो जाएगा? नॉर्मल टर्मिनेशन। देखो हुआ, इनर एक्सेप्शन प्रिंट हुआ, हुआ ना, और बाकी की स्टेटमेंट नंबर फाइव स्टेटमेंट नंबर सिक्स, क्योंकि हमने जहाँ जहाँ रिसीव कोड था उस तक को हैंडल किया है अंदर जाके भी। क्लियर है? समझ में आ रहा है? ठीक, यहाँ तक किसी को कोई इशू? क्यों अब नॉर्मल टर्मिनेशन हो रहा है पता है ना भाई, मैं अगर ऐसे करता ये लो इसको मैं कमेंट कर दे रहा हूँ और यहाँ स्टेटमेंट नंबर कॉपी कर लेते हैं, देखिएगा ये मैंने प्रिंट कर दिया, ये प्रिंट कर दिया, इनमें से किसी एक जगह मैं एक्सेप्शन मार देता हूँ ठीक, तो बाकी की चीज़ें प्रिंट नहीं होंगी, इसी को हम कहते हैं एबनॉर्मल टर्मिनेशन। लेकिन हमने अगर इसको हैंडल करने का कोड लिख रखा था, अगर मैंने इसको हैंडल करने का कोड लिख रखा था तब मेरा कहलाएगा क्या? नॉर्मल टर्मिनेशन। अब जब नॉर्मल टर्मिनेशन होता है तो वो बाकी आगे की चीजों को भी प्रिंट करता है, पूरा रन कराता है, दिख रहा है? जहां पे आपने एक्सेप्शन लिखी है कहां पे लिखी है? इसके कैच में ये, यहाँ तो यहाँ कौन सी एक्सेप्शन डाल दू? डाल तो रखी एक्सेप्शन, अच्छा इसके अलावा कोई सा भी चाइल्ड डाल दूं, चलो मैं इसके अलावा इसका टाइल डाल देता हूँ, फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन ठीक,
तो कंपाइलर ही नाराज हो जाएगा कि भैया ये एक्सेप्शन तो किसी और चीज से संबंधित है, आप कुछ और कर रहे हैं। मैं इसकी जगह डाल देता हूँ नल पॉइंटर एक्सेप्शन, तो कंपाइलर नल पॉइंटर के लिए क्यों नहीं करा भाई, और सॉरी फाइल इनपुट स्ट्रीम का हमने कोई यूज ही नहीं किया था। हाँ तो लेकिन 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 सुन लो मेरी बात भी, लेकिन जैसे ही अरिथमेटिक एक्सेप्शन आई और जैसे यहाँ पर आया, इसने दिया डिफॉल्ट एक्सेप्शन हैंडलर ने कि भैया अरिथमेटिक एक्सेप्शन आई कि आपके पास है, मैच नहीं करा नल पॉइंटर एक्सेप्शन, तो डिफॉल्ट एक्सेप्शन हैंडलर क्या करेगा, आपके पास मैच करने वाला है नहीं तो भैया मुझे ही करना होगा कुछ, तो जब उसे ही कुछ करना होगा तो क्या होगा, अब नॉर्मल टर्मिनेशन, जब एक्सेप्शन मैच नहीं करेगी तब क्या हो जाएगा, अब नॉर्मल। अच्छा यही चीज मेरी फाइल इनपुट स्ट्रीम के साथ क्यों नहीं हुआ था, क्योंकि मेरा कंपाइलर इतना समझदार है, उसे पता है आप फाइल इनपुट स्ट्रीम यूज कर रहे हो और ये चेक्ड एक्सेप्शन है, पूरे कोड में कहीं पे भी आपने चेक्ड एक्सेप्शन से संबंधित कुछ काम नहीं किया, फालतू में क्यों यूज कर रहे हो उसको। हाँ ये आयो से इसका तो कुछ लेना देना नहीं है, तो एक्सेप्शन है थ्रोस पे में आया ही नहीं ना, इसमें क्या चीज इंपोर्ट कराना चाह रहे हो, आयो डॉट, वो तो हम जब कभी भी कोई क्लास इस्तेमाल करते हैं उसके लिए क्लास थोड़ी है, एक्सेप्शन है भाई, आयो जो है अपने सेपरेट क्लास है इनपुट आउटपुट स्ट्रीम के लिए, या ये इसका संबंध ही नहीं इनपुट, अगर इनपुट आउटपुट स्ट्रीम में कोई एक्सेप्शन आ रही हो तब ये इसका संबंध है, उसे इम्पोर्ट करना पड़ता है। क्या अभी तक हमने किसी एक्सेप्शन को इम्पोर्ट किया नहीं किया, इसे भी क्यों करेंगे भाई। हाँ आप बताइए, रन करूँ ओवर करूँ, ये नीचे का रिमूव कह रहा है, इसका कैच रिमूव कर दो या फिर कह रहा है इस क्लोज को थ्रोज कर दो, थ्रोज मैंने अभी सिखाया नहीं ना, ठीक क्लियर है, पहले तो उसने कहा है कि कैच क्लोज को रिमूव कर दो मेरे काम का नहीं है, ऐसी वाली मैं इस्तेमाल नहीं कर रहा, और थ्रोज करवा रहा है तो जब वो थ्रोज करवा रहा होगा तो यहाँ पे फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन यहाँ इसने लिख दी, मुझे लग रहा है कि हो सकता होगा भैया कहीं ना कहीं कुछ, लेकिन जब आप करोगे फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन नहीं मिलेगी उसको, उसको फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन नहीं मिलेगी, रोज आप गलत करा रहे हो तो अब नॉर्मल टर्मिनेशन हो जाएगा, क्लियर है। हाँ तो भाई पूरे कोड के अंदर वो एक्सेप्शन मिले तो सही, जब मिलेगी नहीं हाँ ठीक है चलेगा, आगे बढ़े, अब तो समझ में आ गया कि कब नॉर्मल टर्मिनेशन होना है कब एबनॉर्मल टर्मिनेशन होना है। हाँ जी सबसे पीछे मुकेश, अब तो नहीं कहोगे मैं 10 दिन से नहीं आ रहा, हाँ स्क्रॉल कर दिया ऊपर भी कर दिया, हाँ कुछ भी नहीं है नल पढ़ा है एबीसी में नल पढ़ा है, हाँ आ गए नीचे आ गए, हाँ उस एबीसी वेरिएबल से डॉट करके कराएंगे तो क्या होगा, ये आज सीख रहे हो आप, ये तो पिछले दिन हमने सिखा दिया था, मैंने नहीं सिखाया था, हाँ एबीसी को स्टैटिक बना दिया, आप तो नॉन स्टैटिक बना दूं, इसको ये नॉन स्टैटिक बना दूं चलेगा, अभी भी कॉल हो जा रहा है हम्म, मतलब आपके अनुसार ही कॉल हो जाएगा, हाँ हाँ भाई मैंने इसको रन करा तो आया है आपका चला, ये तो किसको, हाँ अगर मेथड को स्टैटिक कर दें तो, हाँ था ही वो स्टैटिक, अब हाँ रन कर दे रहे हैं, किसने मना करा है नहीं चलेगा, क्लास है क्लास के साथ स्टैटिक चीजें लोड हो जाती हैं, नहीं किसने कहा नॉन स्टैटिक है, ये लिखा तो आप सब स्टैटिक, अभी हटा देंगे तो भैया नल पॉइंटर एक्सेप्शन आ जाएगी, क्या चाह क्या रहे हो,
ये क्या ये क्लास नेम है? ये क्लास नेम तो है नहीं, ये रेफरेंस नेम है। और रेफरेंस किसको टाइप क्या है रेफरेंस की? क्लास टाइप है, ऑब्जेक्ट टाइप नहीं हुई उसकी अभी तक, क्लास टाइप है। और क्लास के साथ जो जो लोड हो रही होंगी उन्हें कर रहा है। हाँ क्लास के साथ स्टैटिक चीजें लोड होती हैं, ठीक मान लिया आप। अब ये आप कहना चाह रहे हो यहाँ से मैंने स्टैटिक मिटा दिया तो ये क्यों आ रहा है? ठीक, कंपाइल टाइम पे एक्सेप्शन आनी चाहिए थी। क्यों? क्योंकि मैंने अपने एबीसी को स्टैटिक बना दिया, मैंने अपने एबीसी को स्टैटिक बना दिया। अगर वो क्लास के साथ लोड हुआ होगा तो ही आगे बढ़ेगा, नहीं तो हम रन टाइम पे हैंडल करेंगे उसको। और नल पॉइंटर एक्सेप्शन मेरी कोई कंपाइल टाइम एक्सेप्शन नहीं है, रन टाइम एक्सेप्शन है। और कंपाइलेशन से संबंधित कुछ आ ही नहीं रही यहाँ पर, कंपाइलेशन से संबंधित यहाँ कुछ आ ही नहीं रही। फिर अभी अभी समझाया ना वही चीज मैंने, भाई ये काम जब मैं इसको ऐसे करता हूँ तब भी तो कोई आपत्ति नहीं है, यही नाम है कुछ और है, तब भी तो कोई आपत्ति नहीं है। क्यों? अच्छा वो स्टैटिक नहीं है ना, हाँ हाँ हाँ, क्योंकि वो रेफरेंस टाइप है, वो रेफरेंस टाइप है। और रेफरेंस टाइप होने की वजह से वो नॉन स्टैटिक चीजों को भी ले सकता है, लेकिन रन टाइम पे हम डिसाइड करेंगे कि क्या क्लास के साथ लोड हुआ था या नहीं। जब उसे पॉइंट करने जाएगा तो आपसे पहले कह देगा कि भैया आप खुद नल हैं, आप खुद नल हैं, और कैसे आप किसी मेथड को पॉइंट कर सकते हैं? सिर्फ डायरेक्ट क्लास के नाम के साथ लोड हो जाएगी, लेकिन रेफरेंस के साथ उसे मालूम है ये रेफरेंस बिना किसी ऑब्जेक्ट के यूज होने वाला है नहीं, ये रेफरेंस बिना किसी ऑब्जेक्ट के यूज होने वाला है नहीं। वो तो भी क्लास के साथ ही लोड हो गया ना, उसमें तो कोई बात ही नहीं है। बात वो कर रहे थे कि ये नॉन स्टैटिक होने के बावजूद ऐसा क्यों हो रहा है, उनका कंफ्यूजन यहाँ था बस। हाँ भाई स्टैटिक करोगे तो कोई दिक्कत ही नहीं, वो रन टाइम पे चेक कर रहा है कि क्या क्लास के साथ तो नहीं लोड हो गया था। ठीक है ठीक है, यहाँ तक समझ में आया एबनॉर्मल टर्मिनेशन और नॉर्मल टर्मिनेशन? हाँ डॉट करने के बाद नल डिसाइड नहीं करेगा, नहीं 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 नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता डॉट करने के बाद, उसकी साइकिल चलती है। पहले चलती है किन चीजों की साइकिल चलेगी? स्टैटिक वाली, वही टॉप टू बॉटम पहचानना, फिर एग्जीक्यूट करना, फिर मेन मेथड का एग्जीक्यूशन, फिर चलती है नॉन स्टैटिक की। अभी नॉन स्टैटिक का कोई भी ऑब्जेक्ट बना ही नहीं, बना क्या नहीं बना, तो जब बना ही नहीं अब रन टाइम का काम आ गया। रन टाइम का काम आते ही देखिएगा कि इस रेफरेंस की हेल्प से आप कोई ऐसी चीज करा रहे हो जो नॉन स्टैटिक है, और मैं ये रेफरेंस को कह रहा हूँ पहले ही नल है, और आप पॉइंट कराने की कोशिश कर रहे हो किसको? नॉन स्टैटिक चीज को, जो कि ऑब्जेक्ट के साथ बन के आती। तो आपसे कहेगा कि नल के साथ आप किसी और चीज को पॉइंट करा रहे हो, तो भैया नल पॉइंटर एक्सेप्शन आ जाएगा। लेकिन यहाँ जैसे आप कह रहे हो कि एबीसी रेफरेंस बना के जो डॉट करके मेथड करा, उसने अभी डिसीजन रन टाइम पे छोड़ दिया कि भाई ये जो मेथड है कहीं स्टैटिक निकला तो, ये जो मेथड है कहीं नॉन स्टैटिक निकला तो। जब अगर स्टैटिक निकलेगा तो वो कुछ नहीं कहेगा, अगर नॉन स्टैटिक निकलेगा तो कह देगा भैया पहले ही मैं नल पढ़ाऊँ तो मैं कैसे पॉइंट करूँ किसको, क्योंकि ऑब्जेक्ट बनना मतलब किसी चीज को आप पॉइंट करने की कोशिश कर रहे हो। क्लियर है? यस। नॉन स्टैटिक को कॉल करने के लिए ऑब्जेक्ट बनाना बहुत जरूरी है, बिल्कुल नल, क्योंकि ऑलरेडी वो पढ़ाई है नल, और जब नल जब पढ़ाए कोई चीज आप उसको कह रहे हो कि पॉइंट कर दो इस मेथड को, तो वो कहेगा भैया नल पॉइंटर एक्सेप्शन। क्लियर है? जैसे ही आपके पास कभी भी नल पॉइंटर एक्सेप्शन आ जाए, सारी चीजें भूल जाना, सिर्फ वेरिएबल को या रेफरेंस वेरिएबल को देखना कहीं नल तो नहीं हो गया बाय डिफॉल्ट, क्योंकि बहुत सारे लोग इसमें बहुत समय बर्बाद करते हैं, तो ढूंढते रहते क्यों आ गई नल पॉइंटर। सिर्फ एक ही वजह हो सकती है उसका, कहीं ना कहीं नल से इनिशियलाइजेशन हो गया होगा, बस इसका यही कारण है। जब नल से इनिशियलाइजेशन हो गया तो वो किसी भी मेंबर को नहीं पहचानता, आप जबरदस्ती पहचानने की कोशिश भी करोगे तो नल पॉइंटर एक्सेप्शन कह देगा। समझ में आया? केस तीन कर लिए थे हमने, अब तो इसके अंदर बहुत सारी चीजें गड़बड़ सी हो गई, दोबारा से इसको सही से करते हैं। स्टेटमेंट 1, 2 ये भी हटा देते हैं, ट्राई कैच
अंदर भी हमने एक और लगाया। देखो कैच के अंदर भी हम ट्राई कैच लगा सकते थे, अभी लगा के भी दिखाया मैंने आपको। कैच के अंदर भी हम मल्टीपल स्टेटमेंट्स लिख सकते थे, अभी लिख के भी दिखाया मैंने आपको। ठीक, और ये ट्राई हो रहा है और ये कैच हो रहा है, सेव करा और ये मैंने यहाँ कुछ लिख दिया स्टेटमेंट और 3। अब आप देखिएगा क्या कह रहा है, सिंटैक्स एरर बता रहा है, तो कहीं से कुछ गड़बड़ हुई है क्या, कहीं मेथड के साथ हमने वो तो नहीं कर दी। हाँ सही है, मेथड का बंद करना भूल गए थे, इसको भी हटाते हैं, यहाँ जो पड़ा था वही रहने देते हैं, ये लो। ठीक है, कैच हो गया और इसको यहाँ कैच के बाद लगा। ठीक, यही तो ना सारा कोड, हम जगह जगह पे एक्सेप्शन रख रख के देख रहे थे ना कि अगर यहाँ आ जाए तो क्या हो जाएगा। चलिए सेव, स्टेटमेंट 2, 3, 4, 5 वापिस आते हैं अपने नोटपैड पे। क्लियर है, समझ में आ गया। अगर मेरी स्टेटमेंट नंबर 3 में भी एक्सेप्शन है, हाँ वही करता हूँ मैं तो, सीधा सीधा एक टैब मार देता हूँ या फिर कंट्रोल शिफ्ट को कर देता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट एफ, फॉर्मेटिंग हो जाती है ना ऐसे करके, कंट्रोल शिफ्ट एफ से देखो फॉर्मेटिंग हो जाती है, या फिर एक टैब मारता हूँ बस। ये देखिएगा एक्सेप्शन मेरी स्टेटमेंट नंबर 3 में भी आ रही है, ये मैं समझना चाह रहा था कि नॉर्मल टर्मिनेशन होगा या एबनॉर्मल टर्मिनेशन होगा। हाँ जी प्रमोद, हाँ बताइएगा, एक मिनट, चले आगे बढ़े, चलिएगा। हाँ जी प्रमोद, क्या कह रहे थे, नॉर्मल या अबनॉर्मल? छोड़ो सारी बातें, नॉर्मल टर्मिनेशन होगा जैसा दिख रहा है उसे देख के बताओ या अबनॉर्मल? अबनॉर्मल टर्मिनेशन, कारण बताओ। वेरी गुड, उसकी वजह से कैच में गया, कैच में भी रिस्की कोड पाया जिसको हमने हैंडल ही नहीं किया, तो कैसा टर्मिनेशन होगा? Abnormal. और आउटपुट क्या आएगा? बस यही 1, 2 आएगा, बाकी तो abnormal हो चुका है। अच्छा ये देखिएगा, एक exception यहाँ भी है और एक statement, चलो बाकी की statement यहाँ भी लिख दे रहा हूँ इसके बाद, सॉरी ये भी एक combination बता देते हैं, इंटरव्यूअर किसी भी एंगल से पूछ सकता है ना, यहाँ भी exception आ गई। ठीक है अब बताइए, अच्छा कैच में exception नहीं है, कैच में एक्सेप्शन नहीं है, अब बताइए रविंद्र, कोई है ऐसा जिसको मैंने अभी एक बार भी नहीं पूछा? हाँ शिव बाबू, रविंद्र आप भी रह गए ना, छोड़ो एबनॉर्मल या नॉर्मल पहले ये बताओ। नॉर्मल टर्मिनेशन पक्का? रविंद्र आउटपुट बताओ, स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 4 एंड 5, बाकी ये तीनों। वेरी गुड, वहीं से जंप कर गया जहां एक्सेप्शन पाई ट्राई ब्लॉक के अंदर, इसीलिए कहा जाता है कि ट्राई ब्लॉक के अंदर केवल रिस्की कोड लिखो बाकी का मत लिखो। फिर आप सोचोगे यार ये तो एक्सिक्यूट हुआ ही नहीं, मैंने तो हैंडलिंग वाला कोड भी लिख रखा है, फल तो मैं आप और चीजें क्यों लिख रहे हो उसके अंदर, केवल कौन सा कोड लिखना चाहिए? रिस्की कोड। ये जो आपने 3 लाइनें लिख दी, इन 3 में से मान लिया मैंने कि ये वाला रिस्की है, पर ये तो आपका नहीं था ना, समझ रहे हो? और जब कभी भी अगर स्टेटमेंट में आगे रिस्की कोड आ जाए उसे उस ट्राई के अंदर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, जाके कैच में इस्तेमाल करो, जाके कैच में इस्तेमाल करो, क्योंकि प्रोग्राम का ट्राई से कंट्रोल जा चुका,
अब वो ट्राय में वापस नहीं आएगा। ट्राय में हाँ दिया है। अरे माय डियर, ये तो 15 कर दिया, ये 16 कर दिया, ये 61 कर दिया, ये 61 कर दिया। ए, बस वो लिखा हुआ है, बस और कुछ हाँ उससे कोई मतलब नहीं है। मैं सिर्फ ये बता रहा था, जैसे ही एक्सेप्शन आ जाएगी इन सबको वो छोड़ देगा, क्योंकि हम ही बार बार कह रहे हैं ट्राई में केवल रिस्की कोड रखा करो, बाकी कोई कोड मत लिखो, ठीक है। बाकी कोड लिखोगे जैसे ही कहीं एक्सेप्शन आई, उस कोड का कोई मतलब नहीं, कोई एग्जीक्यूट ही नहीं होगा, क्योंकि वापस ट्राई अपने पास कंट्रोल नहीं ले पाता। कोई ऐसी चीज है जावा में जो वापस कंट्रोल ले लेता है अपने पास वापस? सिर्फ ऐसी दो या तीन ही चीजें हैं। कोई ऐसी चीज है जावा में जो कंट्रोल अपने पास से जाने के बाद वापस ले लेता है कंट्रोल? लूप्स, फॉर लूप, व्हाइल लूप, डूवाइल लूप, फॉर ईच लूप, ये चार ऐसे लूप हैं जो वापस कंट्रोल ले लेते हैं बार बार, इसके अलावा और कोई नहीं लेता कंट्रोल। बैक में वापस से भी नहीं लूप्स के अंदर आते, और कहीं बैक नहीं जाता, जाता है कभी नहीं जाएगा, सिर्फ लूप्स में बैक में जाता है वापस। एक और होता है वो ऑब्सोलीट हो चुका है, आपको जब मैंने 53 कीवर्ड्स कराए होंगे उसके अंदर गो टू और लेबल लिखवाया होगा, गो टू और लेबल लिखवाया होगा, हाँ गो टू और लेबल जो है ये भी कंट्रोल वापस ले आते हैं। नहीं मैंने लेबल भी कराया होगा, ऐसी बात नहीं है। अभी के अभी जावा डीप लर्निंग खोलो, जिसके अंदर आइडेंटिफायर समझाया था मैंने, वहाँ पहली लाइन में लिखा होगा, हाँ मैंने आपको तभी मना करा था। अब बात आ गई, हाँ याद आया मुझे सब चीज़ याद है, कहाँ क्या लिखी है। लेबल है ऐसी चीज जो कंट्रोल को वापस ला सकती है, पर हम इस्तेमाल नहीं करते जब हमारे पास उससे ज़्यादा अच्छी चीज़ें हैं, यानी कि लूप्स हैं, इसलिए लेबल प्रचलन में नहीं रहा, ऑब्सोलीट हो चुका, ठीक है। हाँ बोलेगा, हाँ नहीं एक्सेप्शन यहीं आ गई, यहाँ से वो सीधे जंप कर गया, यहाँ कभी जिंदगी में वापस ही नहीं आएगा। वो डालो या मत डालो क्या फर्क पड़ रहा है, जब वो वापस ही नहीं आएगा। ये लो डाल दो, ये लो, हाँ गो टू और कॉन्स अनयूज में, लेवल ऑब्सोलीट में, ऑब्सोलीट जो प्रचलन में नहीं है। हाँ भाई ट्राई पे आएगा ही नहीं वो अंदर वाले, क्योंकि वहीं से कैच पे चला गया ना, ठीक। अगर ये एक्सेप्शन नहीं होती ये वाली, तब तो भैया फिर नॉर्मली चलता, इस एक्सेप्शन की वजह से सारी कहानी खराब हुई है। वो क्योंकि भाई देखो वो ऐप केवल टेस्टर्स के लिए नहीं बनी, वो डेवलपर्स के लिए भी बनी है, और डेवलपर्स से आपसे बहुत ज़्यादा कड़ा इंटरव्यू उनका होता है, उनसे बारीक से बारीक चीज़ भी पूछी जाती है, इसलिए दाव दिया गया। हाँ जी ट्राई कैच के अंदर ट्राई कैच लगाया था अभी हमने, कैच के अंदर अभी ट्राई एक और ट्राई कैच नहीं लगा दिया था, अभी अभी सिखाया है, यहाँ पर मैंने कोड में लिखा है नहीं था भाई, कैच में भी एक्सेप्शन आ जाए तो वहाँ फिर एक और ट्राई कैच लगा दो। हाँ ठीक, लेकिन अगर आप ऐसे कर रहे हो, ट्राई के अंदर भी ऐसे ट्राई लगाने की कोशिश कर रहे हो, ये तो बेवकूफाना हरकत हो गई भाई। कैच बाहर भी लग रहा है, अंदर भी लगा रहे हो, बाहर वाले कैच को कह देगा कि भैया जाना ही नहीं कभी मिले वहां पर, अंदर ही हैंडल हो गया, ठीक है। यहां तक किसी को कोई इशू? चलिएगा एक्सेप्शन के हमारे पास कई सारे मेथड्स हैं, जैसे कि पहले तो जो मेथड है हमारे एक्सेप्शन के अंदर वो अभी तक कौन कौन से जान रहे हो आप, नाम बताएंगे? एक डॉट टू स्ट्रिंग, हाँ तो आप सारे जान रहे हो, फिर मैं ही क्या बताऊँ, फिर
ये सारे के सारे किसमें हैं, थ्रोएबल क्लास के अंदर। ये सारे के सारे मेथड डिफाइन है कहाँ पर, थ्रोएबल क्लास के अंदर। जो अगर मैं प्रिंट स्टैक ट्रेस अगर करता हूँ तो प्रिंट स्टैक ट्रेस क्या करेगा, आपकी एक्सेप्शन की इंफॉर्मेशन प्रिंट करेगा। क्या करेगा, नेम ऑफ द एक्सेप्शन, डिस्क्रिप्शन ऑफ द एक्सेप्शन, लोकेशन ऑफ द एक्सेप्शन, तीनों चीजें करेगा। टू स्ट्रिंग क्या करेगा, टू स्ट्रिंग क्या करता है आपका, नेम ऑफ द एक्सेप्शन एंड एक्सेप्शन ऑफ द एक्सेप्शन, बस। और एक होता है गेट मैसेज, गेट मैसेज करता है केवल और केवल आपकी एक्सेप्शन की डिस्क्रिप्शन को, यानी कि आपकी सबसे पहले सबसे ज्यादा काम कर पाए प्रिंट स्टैक ट्रेस, उससे एक चीज फिल्टर कर दी यानी कि लोकेशन हटा के कर दिया डॉट स्ट्रिंग ने, डॉट स्ट्रिंग के बाद और दो चीजें हट गई, यानी कि अब वो केवल और केवल क्या देगा, आपकी डिस्क्रिप्शन यानी कि गेट मैसेज, बस। हम चाहते हैं इतनी सारी बातें नहीं चाहते, हम सिर्फ ये चाहते हैं भैया हमें सिर्फ ये बताओ कि क्या गलती करती है, हमें डिस्क्रिप्शन बता दो बस, तो गेट मैसेज। लेकिन हम सब सारा कुछ चाहते हैं, कहाँ आई है, किस वजह से आई है, कौन सी एक्सेप्शन आई है, तो प्रिंट स्टैक ट्रेस। समझ में आया, तीनों आपके काम के मेथड हैं, पर आपके ऊपर है कि आप कौन से वाले को कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन डिफॉल्ट एक्सेप्शन हैंडलर जो है इंटरनली जो यूज करता है वो सारी इंफॉर्मेशन यूज करता है जो प्रिंट स्टैक ट्रेस के पास जाती है, ठीक है। प्रिंट स्टैक ट्रेस के पास पूरी की पूरी वही ऑब्जेक्ट आ जाती है और वो एज इट इज ले जाके प्रिंट मार देता है। डिफॉल्ट एक्सेप्शनल हैंडल भी तो वही करता है ना। यहां तक किसी को कोई इशू, चलिएगा ट्राई कैच मल्टीपल कैच के साथ। अभी तो नॉर्मल कैच चल रहा था, अब मल्टीपल कैच के साथ देख लेते हैं, ठीक। क्या पूछो पूछो क्या, अच्छा हाँ क्या था बताइएगा दोबारा एक बार और। आप कह रहे हैं यहाँ एक्सेप्शन आ जाए यहाँ, माय डियर मुझे लगा कि आप इतने समझदार हो आपको समझ में आ गया होगा, परंतु एक्सेप्शन आ गई यानी कि रिस्की कोड है। इस रिस्की कोड को किसी ट्राई में रखा हमने, क्या इसका हैंडलिंग कोड रखा, जब नहीं रखा तो एबनॉर्मल टर्मिनेशन हो जाएगा। फाइनली अभी आ रहा हूँ उस पर, तो एबनॉर्मल टर्मिनेशन हो जाएगा, यानी कि जहां भी आपको रिस्की कोड दिख रहा है अगर उसे आपने इसमें नहीं रखा, कहां चल रहा है, थर्ड से फोर्थ में आ गए, ठीक है। फोर्थ में आने के बाद इसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश कर रहा है, वो नहीं कह रहा कि मेरा अभी यहां तक यानी कि इस तक और इसके एग्जीक्यूशन करने तक नॉर्मल है, परंतु जैसे ही यहां पर एक्सेप्शन आ गई एबनॉर्मल, हाँ कैश तक नॉर्मल है, इस स्टेटमेंट के एग्जीक्यूशन तक नॉर्मल है, पर एग्जीक्यूशन करते वक्त ये एक्सेप्शन आ जाए तब एबनॉर्मल हो जाएगा। ये देखो अभी करके दिखा देता हूँ, ट्राई कैच, कैच में हैंडलिंग कोड लिख देते हैं और ट्राई में एक्सेप्शन डाल देते हैं, ये लो और यहाँ एक्सेप्शन डाल दी और यहाँ पे स्टेटमेंट लिखवा दी, और आप कह रहे हैं कि इसके बाद यहाँ ये यहाँ पर कहीं बीच में डाल देते हैं, ठीक। लास्ट में डालूंगा तो भाई बात ये है ना, चलो बाद में डाल देते हैं लास्ट में, मैं तो इसलिए डाल रहा था कि बाद वाला भी प्रिंट नहीं होगा, ठीक। पांच में इसलिए डाल रहा था कि बाद वाला भी प्रिंट नहीं होगा, ये आपको पता चल जाता कि नॉर्मल है या नॉर्मल है, हाँ हाँ तभी तो मैंने वहां करा, ठीक। अब इसको एग्जीक्यूट कर लो तो देखिएगा आपका बाकी की स्टेटमेंट प्रिंट नहीं हुई क्या। अरे भाई साहब ये लो, ये लो, क्या आया स्टेटमेंट सिक्स वाला, तो इकसठ वाला आया, नहीं आया ना इकसठ, तो ये नॉर्मल टर्मिनेशन हुआ या एबनॉर्मल टर्मिनेशन। भैया यहाँ तक तो नॉर्मली चल रहा था, जैसे ही यहाँ पे आया एग्जीक्यूशन तक नॉर्मल है, पर जैसे एग्जीक्यूशन होने लग रहा है तो उसको मिल गया क्या एक्सेप्शन। हेलो हाँ हेलो बड़े बड़े नहीं रहे वहां, तो वही सौरभ कर रहे हैं, बासठ लगा के देख लो,
ये भी होगा, ठीक है, चलिएगा आगे बढ़े। मैं आपको क्या सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप क्या सीखने की कोशिश कर रहे हो, डिपेंड करता है आपके ऊपर। एक कहावत है ना, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत दिखी दिन तैसी, ठीक है। हाँ जी, हाँ कैच में गया, हाँ से कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, लिखित स्टेटमेंट नहीं भैया, इन दोनों का आपस में बड़ा गहरा संबंध है, इनके बीच में कोई भी नहीं आ सकता, कुछ आ भी गया तो कंपाइल टाइम देखो आप, जैसे ही ट्राई आया, ट्राई चाहता है उसके बाद मुझे कुछ नहीं चाहिए, भले ही आप ऐसे कर दो, भले ही आप ऐसे कर दो, उसे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन जैसे ही आपने यहाँ कुछ डाल दिया तो कहेगा मेरे बीच में आप क्या कर रहे हो भैया, वो कहेगा, पहले तो इस ट्राई से कहेगा आपका कैच कहाँ है, फिर इस कैच से कहेगा आपका ट्राई कहाँ है, इसलिए इनके बीच में कोई नहीं आ सकता। इनके बीच में फाइनली, इनके बीच में जब कोई आ ही नहीं सकता, ऐसा नहीं होता। फाइनली भी अगर आप ऐसे कर रहे हो, ये ऊपर थोड़ी होता है फाइनली, लेकिन मेरा अभी बताने का मकसद ये था कि यहां भी अगर आप कुछ डाल दे रहे हो तो कहेगा मैं कैच के साथ मिलके आऊंगा, बीच में आप क्या करने आ गए, यानी कि आपस में एक दूसरे से जुड़े हैं, ट्राई कैच फाइनली, बीच में कुछ नहीं आ सकता, ठीक है। अच्छा हुआ आपने पूछ लिया, वरना सोचते रहते पूरा। चलिएगा अब आते हैं फाइनली ब्लॉक। वैसे रिकमेंडेड नहीं है, लेकिन अगर आप कुछ ऐसा रिस्की कोड कर रहे हो जिसमें कुछ काम करना जरूरी है ही है, जैसे कि आपने फाइल इनपुट स्ट्रीम इस्तेमाल करके क्या किया, कनेक्शन ओपन कर दिया फाइल को रीड करने वाला, है ना, और रिस्की कोड यानी कि फाइल इनपुट स्ट्रीम वाला कोड ट्राई में डाल रहे, मान लो नहीं कर पाया रीड और कैच में चला गया, और कैच में लिख दिया आपने एक्सेप्शन, आप बड़े खुश कि एक्सेप्शन हैंडल हो गई, लेकिन कोड बड़ा खतरनाक है इस टाइम, क्योंकि आपने अपने ट्राई के अंदर कनेक्शन ओपन करा था जो अभी तक क्लोज नहीं हुआ। जितने भी हैकर होंगे अगर उनकी जानकारी में वाली बात आ जाए तो डेटा चुरा सकते हैं, क्योंकि कनेक्शन ओपन पड़ा है। तो क्या किया जाए, मान लो फाइल इनपुट स्ट्रीम में हमने कनेक्शन ओपन भी किया था और ट्राई के अंदर वो फाइल पड़ी भी गई, कैच में वो गया ही नहीं, अब भी खतरनाक है, कनेक्शन तो अब भी ओपन है, चाहे वो कैच में जाए या ना जाए, चाहे वो फाइनली सॉरी ट्राई में एग्जीक्यूट करे या ना करे, कनेक्शन तो दोनों कंडीशन में ओपन रह गया। उस चीज को हैंडल करने के लिए हमारे पास आया है फाइनली ब्लॉक। फाइनली कहता है कि भैया चाहे आपका ट्राई चले या ना चले मैं तो चलूंगा, चाहे आपका कैच चले या ना चले मैं तो चलूंगा, उसी के अंदर हम लिख देते हैं कि कनेक्शन क्लोज, उसी के अंदर लिख देते हैं हम कनेक्शन क्लोज करने वाला कोड, कि भाई साहब कहीं गलती से लाइट चली जाए, कहीं गलती से कुछ इंटरनेट में ही प्रॉब्लम हो जाए, रीड करते करते ही प्रॉब्लम हो जाए, मेरा तो कनेक्शन ओपन रह जाएगा, और ओपन रह जाएगा तो भैया जितने भी फीचर्स हैं हैकर्स हैं कुछ गड़बड़ कर सकते हैं। मान लो बैंक की साइट का हम टेस्टिंग कर रहे थे, बैंक का ही सॉफ्टवेयर था, तो वहाँ तो पैसों की लेन देन है, कनेक्शन ओपन रह गया, और कनेक्शन ओपन नहीं करोगे तो बंदा अपना बैलेंस कैसे जान पाएगा, पहले तो कनेक्शन ओपन करना पड़ेगा ना, तभी तो जान पाएगा। अब कनेक्शन ओपन पड़ा है, उसने क्योंकि यूजर नेम पासवर्ड डाल दिया, हैकर को पता चल गया, गड़बड़ है ना, इसीलिए फाइनल में हम ऐसा वाला कोड डालते हैं कि कहीं कैसी भी अगर स्थिति हो जाए फाइनली आपको चलना ही चलना है, क्लियर है, दोनों ही केस में। आप देखिएगा, अभी करा के दिखा देता हूं, फाइनली में मैंने लिख दिया, यहां मैं लिख दे रहा हूं आई एम फाइनली, ठीक। अब देखिएगा ये यहां एक्सेप्शन डाल दी मैंने यहां पर, और एक्सेप्शन के बाद कैच में जाएगा क्या, कहां से क्या आया, अच्छा ये सब आ गया ना बाद में, ये हटा देता ठीक, ये गया कैच में, आई एम फाइनली एग्जीक्यूट हुआ ही हुआ,
क्यों? यहां से एक्सेप्शन आई, जंप किया कैच पे, कैच एग्जीक्यूट हो गया। अब मान लो जंप करेगा ही नहीं, मैं ऐसा कोड लिख दूंगी जंप ही ना करे कैच पे, अब कोई कैच पे जाएगा? नहीं जाएगा। लेकिन मेरा फाइनली चलेगा ही चलेगा, दोनों केस में चलेगा, चाहे ट्राई चले या ना चले, कैच चले या ना चले, लेकिन भैया फाइनली चलेगा ही चलेगा। फाइनली रिकमेंडेड नहीं है लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट भी है। हाँ, फाइनली एग्जीक्यूट होगा ही होगा आपका। हाँ, ट्राई भी चलेगा, देखें जरा अभी हम कैसे चल जाएगा ट्राई, चला के दिखा दो मेरे को। आओ, आप अपनी बात पलट रहे हो, चलवाना जरा ट्राई, वहीं तो मैं बात कर रहा हूँ। वो कहता है ट्राई चले या ना चले मुझे चलना है, कैच चले या ना चले लेकिन मुझे चलना है। कौन से स्टेटमेंट प्रिंट हो गए अब? अब नहीं हुए ना, ये देखो कहाँ हुए, ठीक है। हाँ, कैच वाली स्टेटमेंट प्रिंट हुई, फिर फाइनली चला, फिर बाकी का चला, क्योंकि नॉर्मल टर्मिनेशन है। क्लियर है? किसी को कोई इशू हो तो बताइएगा भाई। ठीक, तो ये रिकमेंडेड नहीं है कि हम अपने कोड को क्लीन करें इनसाइड ट्राई ब्लॉक या कैच ब्लॉक। कोई गारंटी नहीं कि मेरा कनेक्शन ओपन है वो क्लोज होगा या नहीं होगा, उसके लिए मुझे फाइनली में कुछ ना कुछ ऐसा कोड लिखना पड़ेगा कि जब कभी भी कनेक्शन ओपन रह जाए, या कुछ जैसे डेटाबेस से कनेक्शन करा था, हर केस में कनेक्शन की ही बात होगी ज़्यादातर, क्योंकि रिस्की कोड आपका वही है, रिस्की कोड आपका वही है। हेलो, अभी तो बताया था, अभी भी बताया है। अभी तक मैं आपको बता दूं, अपने इंटरव्यू के लिए आप चीज़ें बड़ी क्लियर करके रखना कि ट्राई के बिना कैच, हाँ आ रहा है नहीं में वो बात अलग है, लेकिन ट्राई के बिना कैच नहीं, कैच के बिना ट्राई नहीं। इंटरव्यूअर आपसे सिर्फ इतना ही जानना चाहता है बस, ठीक है। क्या क्या समझ में नहीं आ रहा, क्या पूछ रहे हो? हाँ हाँ जी, आप बताइए, कोई फाइनल की बात कर रहे थे। ट्राई के साथ कैच ना लगाएं तो फाइनली यूज हो जाएगा। चलो अच्छा है, मैं आ रहा हूँ, मैं फिर वहां पर भी आ रहा हूँ, धीरे धीरे आएंगे, फाइनली स्टार्ट करूंगा। हाँ, पढ़ा दिए इसलिए आप मेरा टेस्ट ले रहे हो, हैं? ट्राई के साथ आपका फाइनली तो चल जाएगा, क्योंकि फाइनली में वो ये मान के चल रहा है कुछ ना कुछ आपने करा होगा 3-5, इसलिए ट्राई के साथ फाइनली चल जाएगा। लेकिन यही काम आप कैच के साथ करके देखोगे, कैच के साथ करके देखोगे तो ये आपका फाइनली नहीं चलेगा, केवल कैच के साथ नहीं चलेगा। कैच को कहेगा आपका ट्राई कहाँ है। क्लियर है? याद है किसी को कोई इशू? लेकिन आपका ट्राई के साथ चल जाएगा फाइनली, क्योंकि वो ये मान के चल रहा है कि आपने फाइनली में कुछ ना कुछ ऐसा कोड लिखा होगा जो आपके ट्राई के बाद है। लेकिन सवाल यहाँ पर ये नहीं होता, सवाल यहाँ पर ये आता है कि प्रोग्राम का टर्मिनेशन नॉर्मल होगा या एबनॉर्मल होगा। बताइए जी, किसने पूछा था ये वाला सवाल? आप बताइएगा। हाँ, आपने पूछा था वाला सवाल वैसे? दिमाग में आया था ऐसे ही। सर ने ये नहीं बताया नॉर्मल टर्मिनेशन होगा या एबनॉर्मल होगा? एबनॉर्मल बताया था। यार ये तो इम्पोर्टेंट चीज है ना, पता तो चले कि टर्मिनेशन कैसा हुआ है। हम ये हैंडलिंग कोड लिखते किस लिए हैं? कि वो नॉर्मल टर्मिनेट हो, इसीलिए तो लिखते हैं। अच्छा एक मिनट, क्या आपने भी सर से एक बार पूछने की चेष्टा नहीं करी कि सर ये हम कर क्यों रहे हैं? मेरे पास तो जवाब है, मैं दे रहा हूँ आपको जवाब, नॉर्मली टर्मिनेट होने के लिए कर रहे हैं।
उन्होंने बताया जरूर होगा, ऐसे नहीं है, शब्द दूसरे रहे होंगे, शब्द ऐसे रहे होंगे कि आगे का कोड नहीं चलेगा, हो सकता है उन्होंने ऐसे कहा हो। भाई सही तो बात है, सही तो कह रहे हैं वो, तो मैं इंग्लिश में बोला रहा हूँ। बात सीधी सी है कि मेरी भाषा थोड़ी सी खड़ी है, उनकी भोजपुरी है, बस हिंदी में मैं भी पढ़ाता हूँ। क्या वो ट्राई को कोशिश कहते हैं? कहते हैं कोशिश, और गंदे गंदे कोशिश कहते हैं। अच्छा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट को छापो कहते हैं, बाहर छापो ऐसा कुछ कहते हैं, इस सेमीकोलन को क्या कहते हैं, अल्पविराम कहते हैं, कहते हैं अल्पविराम, मुझे लग नहीं रहा इसको, ये जो पैरेंथेसिस है, इसे पैरेंथेसिस को क्या, वो क्या होता है, वो स्टक कहते हैं, नहीं कह रहे, वही मैं भी कह रहा हूँ भाई, इतना मैं नहीं करता। अरे यार ये रिकॉर्ड हो रही है, फालतू की बातें भाई, देखो वो करा रहे हैं वो आपको इसलिए कि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए, वो समझने के लिए बोल रहे हैं, ठीक है। मैंने अगर कुछ चीज़ ऐसी कराई है वो आपके इंटरव्यू में काम आ जाएगी, कि आप नॉर्मल नॉर्मल नाम के शब्दों को इस्तेमाल कर लो, बस वो चाहते, देखो नियत दोनों की अच्छी है, मैंने बताया था आपके साथ दो पागल काम कर रहे हैं, नियत दोनों की अच्छी है, ठीक है। देखिएगा नॉर्मल टर्मिनेशन हुआ या एबनॉर्मल, अब नॉर्मल टर्मिनेशन होगा क्योंकि हमने हैंडलिंग कोड लिखा ही नहीं, हमने हैंडलिंग, अच्छा चलो मान लेते हैं हैंडलिंग कोड भी लिख दिया, लिखा जा सकता है फाइनल के अंदर, नहीं लिखा जा सकता। कौन सी वाली स्टेटमेंट 1, 2, 3? नहीं 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 यार, एबनॉर्मल टर्मिनेशन मतलब उसका कहने का मकसद ये है, फाइनली तो चलना ही चलना है, चाहे कैच चले या ना चले, ट्राई चले या ना चले, उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन फाइनली कहता है कि मैं कैच या ट्राई दोनों में से किसी एक के साथ आ सकता हूँ, और कैच की, कैच की एक ही शब्द है, मैं बिना ट्राई के आऊँगा नहीं फाइनली का, ट्राई के बाद फाइनली इसलिए कहा गया है क्योंकि फाइनली के अंदर हमको जो कनेक्शन वाली बात मैंने आपको बताई है उसको क्लोज करने का, और इसकी कोड को क्लोज करने का कोड आप लिख दो, बस इसलिए उसमें कहा। अब एबनॉर्मल टर्मिनेशन है हुआ ना, कनेक्शन क्लोज करना भाई, उसके अलावा आपका कनेक्शन क्लोज कहाँ हो रहा था, या तो कैच में जाके कनेक्शन क्लोज कर दो। हाँ क्यों, फाइनली कहता है मैं तो चलूंगा ही चलूंगा, नॉर्मल हो चाहे अब नॉर्मल हो, वो तो कहता है मैं तो चलूंगा ही चलूंगा भैया, फाइनली में भी एक्सेप्शन आ जाए तब भी फाइनली चलेगा ही चलेगा, चल रहा है तभी तो एक्सेप्शन आई भाई, चल रहा है माय डियर, माय डियर ये देखो मैंने यार इसकी कोड डाला ही नहीं, इस रिस्की कोड को आप कह रहे हैं कि फाइनली में डाल दूं, ये कह रहे हैं आप, पहले डालूं या बाद में डालूं बताओ, पहले डाल दूं यानी कि एक्सेप्शन आ जाएगी, पर एक्सेप्शन आएगी कब, आएगी तो तभी जब फाइनली चल रहा होगा, इसका मतलब फाइनली चला ही चला भाई, इसी बात है, रिस्की कोड आपने वहां डाल दिया जबकि रिस्की कोड की एक ही जगह बताइए, कहां बताई थी, ट्राई, आप रिस्की कोड जहां भी डालोगे वहां ट्राई लगाना बहुत जरूरी है, क्या फाइनली के अंदर भी ट्राई लगाया जा सकता है, लगाया जा सकता है, क्या ट्राई के अंदर भी ट्राई लगाया जा सकता है, लगाया जा सकता है, क्या कैच के अंदर भी कैच लगाया जा सकता है, कौन कह रहा है, कैच के अंदर कैच नहीं हो सकता, क्या फाइनली के अंदर फाइनली लगाया जा सकता है, फाइनली के अंदर फाइनली लगाया जा सकता है, पूछेगा उस फाइनली से कि आपका कैच या ट्राई कहाँ गया, ठीक है। मेरा मन कर रहा था कि एक और केस कराने का, लेकिन आप यही खत्म करते हैं। ये बता दीजिए जैसे फाइनली वाला लास्ट, मतलब उसे लास्ट में
हाँ पहले कहाँ कर रहा है? पहले उसको प्रिंट किया फिर एक्सेप्शन। नहीं अब कहा देखो, पहले ये प्रिंट करा, एक्सेप्शन आई, बाकी का आगे कर ही नहीं रहा कुछ भी। अच्छा ऊपर एक्सेप्शन कर दूँ? हाँ हाँ, ये एक्सेप्शन आ गई, कुछ नहीं करा, नीचे वाला ESDF नहीं प्रिंट करेगा। ऐसे कैसे कर देगा यार ESDF को प्रिंट? हाँ ट्राई में एक्सेप्शन आई, देखा कैच है ही नहीं, फाइनली तो हमने एक ही चीज कह रखी है आपको तो हर हालत में एग्जीक्यूट होना है, हो रहा है। प्रायोरिटी फाइनली को मिल रखी है ना कि आपका कैच चले या ना चले मुझे चलना है, ऐसे नहीं होगा ना। हैंडिंग बोर्ड अगर होता तब फाइनली डिस्टर्ब होता, पहले कैच चल जाता। ठीक नहीं अभी बहुत लंबा चलेगा, मैं ऐसा